ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसके अपडेट्स को लेके अक्सर परेशान रहते हैं, तो मैं बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रोसेस है दोस्तों वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ही मानकर चलें आज की डेट में। खास करके जो वीक प्रोफाइल्स हैं वो नहीं चल पाते हैं, जीटी ही उनका क्लियर नहीं हो पाता और उसी के कारण फाइल्स और सीओए इनको नहीं मिल पाते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका केस साफ होना चाहिए। साफ होने का मतलब अब सिर्फ एजुकेशन नहीं है कि आप रीसेंट पास आउट हैं, आईलेट स्कोर है या पीटी स्कोर है तो आपका केस साफ हो गया, नहीं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सेविंग्स जिसको हम फंड्स कहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और बहुत सारे केसेस जीटी जिनका क्लियर नहीं हो पाता, जिनका सीओए नहीं आ पाता, वो 90% इन्हीं कारणों से अटका रहता है। सो इन चीज़ों को लेके जो बच्चे साफ़ हैं वही ऑस्ट्रेलिया का रास्ता अपनाएं। दूसरों को मैं आज की डेट में एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि आप चाहे एजेंट पे गुस्सा निकालें चाहे किसी पे भी निकालें, बट इसके कारण आपके केसेस अटके रहते हैं। सो बेहतर यही है आज की डेट में, कनाडा आपको 100% वीज़ा दे रहा है, यूके आपको 100% वीज़ा दे रहा है, यूएस बहुत शानदार सक्सेस रेट दे रहा है, तो इन ऑप्शंस को आपको सेकंड ऑप्शन नहीं मानना चाहिए, इनको ही फर्स्ट ऑप्शन बनाएंगे तो आप ज़्यादा सही समय से अपने जो टारगेट्स पे हैं वो पहुँच पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेफिनेटली जिनकी इनकम्स अच्छी हैं, फैमिली सोर्स ऑफ इनकम सेविंग्स जेन्युइन हैं, उनके लिए बहुत शानदार समय चल रहा है, उनको मिस भी नहीं करना चाहिए, बट दूसरों को सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। इस चैनल के जरिए आगे भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा, सब्सक्राइब करके रखें फॉर एवरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।